LG ने साउथ कोरिया में अपनी Q सीरीज स्मार्टफोन के तहत लेटेस्ट एडिशन LG Q61 को लॉन्च किया है, जो कि ग्लोबल मार्केट में इस साल फरवरी में लॉन्च किए गए LG K61 का ही रिब्रांडेड वर्जन है। LG Q61 में यूजर्स को पंच होल डिस्प्ले और 5 कैमरों की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने इसे फिलहाल साउथ कोरिया में ही लॉन्च किया है और अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। LG Q61 की कीमत और उपलब्धता की बात करें तो LG Q61 को एक ही स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें 4GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इस स्मार्टफोन की कीमत 369,600 KRW यानी लगभग 22,700 रुपये है। यह टाइटेनियम और वाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। साउथ कोरिया में इसकी सेल 29 मई से शुरू होगी। वहीं LG Q61 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की बात करें तो LG Q61 में 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो है। फ़ोन में सेल्फी कैमरे के लिए पंच होल मौजूद है। यह फ़ोन 2.3GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें दी गई स्टोरेज को यूजर्स माइक्रो SD कार्ड का उपयोग करके 2TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। पावर बैकअप के लिए फ़ोन में 4000mAh की बैटरी क्षमता दी गई है। कैमरे सेक्शन की बात करें तो LG Q61 अपने 5 कैमरों को लेकर चर्चा में है। इसमें क्वाड रियर कैमरा और सिंगल फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर उपलब्ध है, जबकि फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ़ोन में उपयोग किया गया कैमरा यूज़र्स को शानदार सेल्फी क्लिक करने के साथ साथ वीडियो कॉलिंग की सुविधा देगा। अन्य फीचर्स की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, LTE, ब्लूटूथ 5.0, NFC और USB टाइप सी पोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इसमें सिक्योरिटी के लिहाज से बैक पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।